हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आप ही के चैनल सुचिता टेलर में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चोली कट ब्लाउज बनाना सिखाएंगे। फ्रेंड्स, कटोरी वाली जो ब्लाउज होती है उसकी कटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल स्किप मत करिए। पूरा वीडियो देखिए, जब भी समझ में आएगा, आधा देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स, पीछे का पल्ला हम कटिंग करके हटा लिए हैं, आगे का प्रोसेस आपको समझाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम कपड़े को दो लेयर में इस तरह से देखिए कर लिए हैं। ये सीधा है और इसको उल्टा में कर लिए। कभी भी आप कपड़े की कटिंग करिए तो उल्टा कर लीजिए, इस तरह से उल्टा कर लिए हैं। और ये जो आपको पहले ब्लाउज का मेजरमेंट समझा दे, ब्लाउज लंबा रहेगा 14 इंच और इसकी जो सीना रहेगी वो 36 इंच की सीना रहेगी और कमर की फिटिंग रहेगी जो 30 इंच की, कमर की फिटिंग 30 इंच, सीना रहेगी 36 इंच, ब्लाउज की लंबाई है जो 14 इंच। इसी मेजरमेंट से ब्लाउज की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो में बने रहें, बिल्कुल स्किप मत करिए, स्किप करिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स, आधा इंच निकाल देंगे बटन पट्टी और कच पट्टी के लिए। देखिए आधा इंच इस तरह से पहले निकाल लेंगे, इस तरह से देखिए, क्योंकि आगे का पल्ला है तो आगे में कच पट्टी बटन पट्टी लगती है। तो इस तरह से देखिए आधा इंच को इस तरह से पहले निशान दे देंगे, इस तरह से देखिए यहाँ तक निशान लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले लंबाई देख लेंगे, लंबाई हमें रखनी है 14 इंच की ब्लाउज तैयार रहेगी। तो इस तरह से देखिए पहले 14 इंच पर निशान लगाएंगे और इसमें 2.5 इंच और एक्स्ट्रा दे देंगे, क्योंकि आगे का पल्ला है तो आगे के पल्ले में 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहता है। देखिए 16.5 पर इस तरह से निशान लगा देंगे। पीछे के पल्ले में 16 लिए हैं तो आगे के पल्ले में 16.5 लेंगे। इस तरह से आप भी करिए, आगे के पल्ले में 1 से 1.5 इंच जरूर बढ़ा दीजिए। फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए बढ़ा लिए हैं, 16.5 ले लिए हैं। अब इसमें देखिए सीना देखेंगे, सीना है 36 इंच हैं, इसमें 2 इंच और एड कर देंगे हम। देखिए इस तरह से मार्जिन के लिए, इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एड कर देंगे इस तरह से। देखिए ये हो गया हमारा 11 इंच का तैयार, ये हमारा 2 इंच मार्जिन हो गया और ये 9 इंच है जो सीने का है। फ्रेंड्स, यहाँ हम 5.5 इंच लेंगे शोल्डर के लिए, इस तरह से देखिए शोल्डर का 5.5 लेंगे इस तरह से देखिए। और आर्म होल के लिए लेंगे 6 इंच, इस तरह से देखिए 6 इंच का आर्म होल लेंगे, इस तरह से देखिए नाप लगा देंगे और ये निशान और ये निशान को इस तरह से मिला देंगे। फ्रेंड्स, देखिए इस निशान को और इस निशान को मिला देंगे, सेम इसी तरह से आप भी कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब यहाँ देखिए इस तरह से देखिए, यहाँ 9 पे निशान लगाए हैं, यहाँ 9 लगा देंगे और 2 इंच मार्जिन है तो यहाँ लगा देंगे इस तरह से देखिए। और ये जो कमर देखिए फ्रेंड्स, जब मैं सबसे पहले यहाँ कमर की फिटिंग ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि ये जो कमर का फिटिंग है 30 इंच, ये 4 फोल्ड की रहेगी, क्योंकि 2 फोल्ड ये है, 2 फोल्ड आगे वाली हो जाएगी। तो 7.5 हो गया इसकी कमर की फिटिंग, 7.5 हो गया, 7.5 × 15, 15 × 30, यानी कि 7.5 इंच है। फ्रेंड्स, तो यहाँ 1 इंच और रखेंगे, क्योंकि यहाँ जब सिलाई में जाएगी तो इसलिए यहाँ 1 इंच और रख देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ 8.5 हो गया और 2 इंच और लेंगे हम, लेंगे इसके लिए मार्जिन के लिए लगा देंगे। देखिए इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इसको निशान लगा देंगे, ध्यान से समझिए फ्रेंड्स। देखिए 7.5 इंच हमारा फिटिंग का निशान है, 1 इंच और लिए हैं इस तरह से देखिए, 1 इंच और लिए हैं, क्योंकि यहाँ जब सिलाई होगी इसमें जाएगी, इस तरह से देखिए 1 इंच लिए हैं और 2 इंच यहाँ मार्जिन ले लिए हैं। इस तरह से यहाँ और यहाँ इस तरह से निशान लगा देंगे। कभी भी आप भी सिलाई करिए फ्रेंड्स, कभी भी आप कटोरी वाली ब्लाउज कटिंग करिए तो यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा ज़रूर लीजिए और 2 इंच मार्जिन इस तरह से लीजिए। ये आपका फिटिंग का निशान है 7.5 इंच। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से देखिए 1 इंच की इस तरह से गुलाई देंगे यहाँ पे, इस तरह से देखिए 1 इंच की गुलाई देंगे। ये हो गया हमारा फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे देखिए, आगे के लिए पीछे का पल्ले में 2.5 इंच लिए हैं तो यहाँ भी 2.5 इंच लेंगे, इस तरह से देखिए 2.5 इंच के यहाँ ले लिए हैं। ध्यान से समझिए, यहाँ हम 6.5 इंच का रख रहे हैं आगे का गले, तो 6.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। देखिए अगर आपका जितना रखना है अपने हिसाब से रखिए, हम 6.5 इंच रख रहे हैं, आप अपने हिसाब से रखिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 2.5 इंच का ले रहे हैं इस तरह से, तो यहाँ हम लेंगे 3 इंच इस तरह से देखिए, 3 इंच थोड़ा सा बढ़ा देंगे क्योंकि गला यहाँ खुल के थोड़ा सा आएगा इस तरह से देखिए। और ये निशान और ये निशान इस तरह से मिला देंगे। आप भी इस तरह से कटिंग करिए, कभी भी आपका ब्लाउज ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए इसको गुलाई कर देंगे इस तरह से कर दिए। फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई। अब इसकी कटोरी की कटिंग करेंगे, किस तरह कटिंग करनी है देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ 12.5 पे इस तरह से देखिए इस तरह से निशान लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम 12.5 पे इस तरह से निशान लगाएंगे, इस तरह से, इस तरह से आप भी लगा लीजिए, 12.5 पे इस तरह से निशान लगाएंगे।
इस तरह से 12.5 पर एक लाइन इस तरह स्ट्रेट खींच देंगे। इस तरह से आप खींच लीजिए। अब क्या करेंगे, आधा इंच यहाँ ऊपर देंगे, इस तरह से देखिए, आप भी लीजिए, आधा इंच ऊपर देंगे इस तरह से, और ये निशान और ये निशान को इस तरह से मिला देंगे। फ्रेंड्स आप भी इस तरह से कर लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये रहेगा 7.5 इंच रहेगा फ्रेंड्स इसकी फिटिंग, इस तरह से देखिए। तो सबसे पहले आपका कमर है 30 इंच, तो 30 को आप 6 भाग में करिए, 6×5=30, तो आपका आएगा 5×6=30। देखिए फ्रेंड्स ये 7.5 इंच हमारा फिटिंग है, यानी कि 30 इंच फिटिंग है, तो इसको आप 30 को 6 भाग में करिए, 5×6=30, यानी 5 इंच आ रहा है। यहाँ देखिए 5 पे निशान लगा दीजिए। कभी भी आप कटोरी ब्लाउज कटिंग करिए, जो ये कमर का फिटिंग है आपका, उसको 6 भाग में कर दीजिए, 6 बार कर दीजिए, तो आपका ये सही हो जाएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ 30 है, तो हम 5×6=30, यानी 5 पे इस तरह से निशान लगा देंगे। यहाँ देखिए 5 पे निशान लगा दिए हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ 5 पे लगा दिए हैं, अब यहाँ देखिए 2.5 पे लगाएंगे, इस तरह से देखिए 2.5 पे लगाएंगे। ये जो आर्म होल वाला चीज़ है, इसको देखिए 2.5 पे लगा देंगे, और यहाँ देखिए ये जो आपका गला है उसको 1 इंच ऊपर ले लीजिए, इस तरह से देखिए 1 इंच ऊपर ले लिए हैं, इस तरह से, इस तरह से। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए, जब भी समझ में आएगा, आधा देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरह से इसकी गुलाई दे देंगे, इस तरह से देखिए, इस तरह इसकी गुलाई दे देंगे, और ये जो निशान लगाए हैं इस तरह से मिलाते ही, एकदम आम भाषा में आपको समझा रहे हैं, इंची टेप से आप आराम से कटोरी ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ आप आधा इंच एक्स्ट्रा ऊपर कर दीजिए, ताकि तिरछा पट्टी रहे। फ्रेंड्स अब ध्यान समझिए, यहाँ बारीकी से समझा रहे हैं, यहाँ क्या करिए, जब कटिंग करिए तो आधा इंच ऊपर कर दिए, ताकि जब ये सिलाई करेंगे ना, यहाँ यहाँ तो टक्स लगती नहीं है, तो ये झोल नहीं आएगी। इस तरह से देखिए आधा इंच पे यहाँ से ले लीजिए, दबा के थोड़ा सा कटिंग कर दीजिए, जब ये काटिएगा तो यहाँ से भी ये काट के हटा देंगे। इस तरह से देखिए पहले इसकी कटिंग कर देंगे, इस तरह से जिस तरह से निशान लगाए हैं। हाँ फ्रेंड्स यहाँ क्या करेंगे, आधा इंच की और गहराई देंगे थोड़ी सी, इस तरह से आगे का पल्ला है तो थोड़ी सी गहराई दे देंगे इस तरह से, क्योंकि इसमें झोल नहीं आएगी। इस तरह से करते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स जिस तरह से निशान लगाया उस तरह से देखिए पार्ट को काट काट के अलग कर दिए, आप भी इस तरह से कटिंग करिए। देखिए फ्रेंड्स आधा इंच इस तरह से देखिए यहाँ ऊपर से इस तरह से गहराई देते हुए ऊपर से काट दिए हैं, यहाँ से इस तरह से देखिए आधा इंच दबा के ये चीज़ को यहाँ से काट दिए, क्योंकि जब ये सिलाई होगा फ्रेंड्स इस तरह से, तो अच्छा से सुंदर से बैठ के भी आएगी, यहाँ पर झोल भी नहीं आएगा और ना ही ब्लाउज ख़राब होगा। फ्रेंड्स देखिए ये दोनों पार्ट को काट काट के अलग कर दिए हैं। अब ये देखिए ये कटोरी है, अब देखिए आपको कटोरी कटिंग करना सिखाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं लगता है, अलग से कपड़े पर कटिंग होता है फिर लगता है। हाँ फ्रेंड्स अगर आपको डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके पूछें, आपको हम समझा देंगे, आपकी रिप्लाई देंगे, तो इसलिए कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड्स, और हमारे चैनल कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड्स। हमारे चैनल पर जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल की घंटी दबा लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स अब आपको कटोरी बनाना सिखाएंगे, क्योंकि आप इस पर कटिंग करेंगे कटोरी और बनाएंगे, तो इसलिए वीडियो में बने रहें, बिल्कुल स्किप मत करें, नहीं तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। फ्रेंड्स देखिए आप चाहेंगे तो इस तरह से भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से सही कटोरी नहीं बनता है। इस तरह से आप तिरछा ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड, तिरछा करेंगे तो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है कटोरी। फ्रेंड्स इस तरह से देखिए तिरछा पर रख दिए हैं, आप भी इस तरह से रख लीजिए। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले जितना ये है उसी हिसाब से इसको निशान लगा देंगे, सेम जितना है उतना निशान लगा देंगे पहले फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए इसको निशान लगा देंगे, इस तरह से, इस तरह से निशान लगा देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए अब इसको हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं है, अब इसी से कटोरी बनेगा। देखिए जितना था उतना सेम लगा दिए हैं। अब क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो आपका है ये चीज़, इसको गले वाला पार्ट को छेड़ना नहीं है, ये सेम ऐसा ही रहता है फ्रेंड्स। अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये गला वाला ख़राब हो जाएगा आपका। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, ध्यान से समझिए, यहाँ 1.5 इंच लेना है। देखिए इस तरह से 1.5 इंच क्यों लेना है फ्रेंड्स, कि जो बीच में टक्स लगती है उसमें कपड़े जाते हैं। इस तरह से देखिए 1.5 इंच लेंगे यहाँ, इस तरह से, यहाँ इस तरह से 1.5 इंच लेंगे, और यहाँ नहीं लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये आगे का है, इसमें कचपट्टी बटन पट्टी लगता है, तो हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिए हैं, इसलिए नहीं लेना है। ये निशान को सेम इस तरह से तिरछा मिला देना है, यहाँ से कुछ नहीं लेना है फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए यहाँ लेना है 1.5 इंच, ध्यान समझिए 1.5 इंच यहाँ भी लेंगे, इस तरह से देखिए 1.5 इंच लेंगे, और इधर इस साइड रहता है जो फिटिंग वाले साइड में, यहाँ देखिए 1/2 इंच रहता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, नहीं तो आपका ब्लाउज ख़राब हो जाएगा। देखिए 1/2 इंच यहाँ रख लीजिए,
क्योंकि यहाँ सिलाई में जाती है। इस तरह से देखिए आधा इंच लेंगे, इस तरह से करते हुए देखिए इसमें मिला देंगे। ये यहाँ ज़्यादा क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ टक्स लगती है। बारीक से समझ, बारीकी से समझिए, जब भी समझ में आएगा, नहीं तो आपका ब्लाउज ख़राब हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह से यहाँ डेढ़ इंच लेना है, यहाँ डेढ़ इंच लेना है, और ये देखिए पहले इस तरह से निशान को मिला देंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, जितना आप पहले देख लीजिए कि आपका ये चीज़ कितना आ रहा है, ये इधर और इधर लगाने के बाद कितना आ रहा है फ्रेंड्स, ध्यान समझिए। आप इस तरह से देख लीजिए, ये देखिए आठ इंच है, तो अब क्या करेंगे, ये आठ इंच है तो इस तरह से इंची टेप को बराबर करते हुए इस तरह से कर देंगे। देखिए ध्यान समझिए, यहाँ बीच आ रहा है, इसमें बीच में एक निशान लगा देंगे इस तरह से। देखिए अभी लगा लीजिए, सारे ब्लाउज की फार्मूला यही रहती है, कटोरी ब्लाउज की फार्मूला यही रहती है फ्रेंड्स, बस खाली सीने की जो फिटिंग होती है और कमर की फिटिंग अलग होती है, लेकिन ये जो साइडों में रहती है और इस साइड, वो सेम प्रोसेस रहता है। इस साइड आधा इंच बढ़ाई जाती है जिधर फिटिंग की रहती है, कचपट्टी बटन की पट्टी के साइड यहाँ पे नहीं बढ़ाना रहता है, यहाँ बढ़ाना रहता है, क्योंकि ये टक्स में चली जाएगी तो ये बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह से आप करिएगा तो आपका कभी भी ब्लाउज ख़राब नहीं होगा। यहाँ सेम देखिए डेढ़ इंच का ले लेंगे इस तरह से, इस तरह से देखिए डेढ़ इंच ले लेंगे, और क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये निशान और ये निशान तिरछा इस तरह से मिला देंगे, और ये निशान और ये निशान लेते हुए यहाँ मिला देंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ डेढ़ इंच, यहाँ डेढ़ इंच लिए हैं तो यहाँ क्या करेंगे, डेढ़ इंच इस तरह से निशान लगाएंगे, क्योंकि कमर की फिटिंग के हिसाब से हमारा कटोरी आना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ डेढ़ इंच, जो डेढ़ इंच लिए हैं जो इस तरह से ये चपटक्स लगा देंगे, कवर हो जाएगा, कटोरी बहुत सुंदर बन के तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ तीन इंच इस तरह से यहाँ लगा देंगे निशान, और ये निशान को, इस निशान को तिरछा मिला देंगे फ्रेंड्स इस तरह से। देखिए इस तरह से मिला देंगे, और इसका कटिंग करके इस तरह, जिस तरह से निशान लगाएं इसको कटिंग करके पहले हटा देंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसको जो एक्स्ट्रा था उसकी कटिंग करके हटा दिए। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जब कटिंग करिए तो इसको इस तरह से पहले इस तरह से टक्स को सिलाई कर दीजिए इस तरह से। देखिए इस तरह से जब सिलाई हो जाएगी फ्रेंड्स, आपको समझा रहे हैं क्योंकि जब हम पूरा वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इस तरह से देखिए, जब ये टक्स लगाने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से टक्स लगाएंगे, फिर उसके बाद इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से सिलाई करेंगे फ्रेंड्स, फिर उसके बाद इसको इस तरह से अटैच करना है। इसको अटैच करने के बाद जो आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा उसको छाट के हटा दीजिएगा इस तरह से। देखिए इस तरह से जब सिलाई करेंगे, फिर उसके बाद कचपट्टी बटन पट्टी लगाइए इस तरह से। देखिए तो बहुत बढ़िया बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो कैसे लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ।